कल हमने आप लोगों को बताया था कि एमएमसी में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसका जो सलूशन है वो दो ही है, एक सैमसंग है तो आरपीएम भी क्लीन करना कैसे करना है वो, और दूसरा होता है कि उसमें जीपी पार्टीशन करना। लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा एक बेसिक ये भी है कि एमएमसी के अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं या कुछ रिपेयर करते हैं तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको बैकअप लेना होता है, ठीक है। लेकिन बैकअप से पहले एमएमसी के इंटरनल जो प्रोग्राम होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो आप लोगों को पता है। सबसे पहले क्या आता है इसके अंदर, एक जीपीटी। ठीक है, क्या होता है जब हम फ्लैश फाइल करते हैं, फ्लैश प्रोग्राम करते हैं, तो वो कहाँ पे इंस्टॉल होता है, पार्टीशन में। इसके अंदर कुछ पार्टीशन बने होते हैं, जो बैकअप भी हम लेते हैं ना वो पार्टीशन भी बने होते हैं। तो पार्टीशन हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं, कौन कौन से कोई बताएगा, पता है किसी को? प्राइमरी और दिया। प्राइमरी? नहीं, दो तरह के पार्टीशन होते हैं, दो तरह के पार्टीशन टेबल होते हैं, एक होता है जीपीटी और दूसरा होता है एमबीआर। ठीक है, पार्टीशन टेबल दो टाइप के होते हैं, पहला जीपीटी और एमबीआर। जीपीटी का मतलब होता है, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ चलेगा? सर नहीं, इंग्लिश में लिख लिए, मैंने नहीं पढ़ा है। यार हिंदी नहीं पढ़ा। सर सर ये दोनों एक ही में होते हैं कि या जीपीटी होगा नहीं, या एमबीआर होगा? हाँ, या जीपीटी होगा या एमबीआर होगा। ये दोनों चीजों का मतलब होता है, एक का मतलब होता है जनरल पार्टीशन टेबल, दूसरे का होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। मैं बोलता हुआ भी जा रहा हूँ, आप लोग लिख लो हिंदी इंग्लिश जो भी लिखना है। चलो अभी मैं वैसे तो हिंदी में लिख दूंगा। अब इसमें देखो, जीपीटी और एमबीआर ये जो पार्टीशन टेबल होते हैं, ये आपको इन्हीं पार्टीशन टेबलों के ऊपर ही आपका फर्मवेयर इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, क्या होता है जीपीटी और एमबीआर जो होता है इसी के ऊपर आपका फर्मवेयर इंस्टॉल किया जाता है इन्हीं के, मतलब मान के चलिए कि ये हमारा एक एमएमसी है। ठीक है, ये क्या है, ये एमएमसी है। इसके अंदर ना कुछ बॉक्स टाइप के ऐसे बने होंगे, एक दो तीन चार ऐसे करके यहाँ पे कुछ बॉक्स बने होंगे। मान के चलो एग्जाम्पल के लिए कि ये एमएमसी जो है वो एक आपका रूम हो गया, रूम के अंदर जो अलमारियां हैं उन्हीं के अंदर आप एक अलमारी बॉक्स बनाते हो, और वो बॉक्स के अंदर ही आप उसके अंदर सारा फाइलों को रखते हो। मान के अलमारी चलिए इसके अंदर जो इसका पहला बॉक्स है, इसके अंदर मान के चलिए कि आपका क्या हो गया, बूट की फाइलें हो गई। ठीक है, दूसरे पार्टीशन के अंदर आपका सिक्योरिटी पार्टीशन हो गया। ठीक है, फिर यूजर डाटा हो गया। इस तरह से अलग अलग पार्टीशन जो है आपको इसमें बने हुए होते हैं। तो ये दो टाइप के पार्टीशन टेबल होते हैं, पहला एमबीआर और जीपीटी। एमबीआर जो है ये ओल्ड पार्टीशन टेबल है, एमबीआर जो है ये पहले अभी भी आता है, बहुत अभी भी लेटेस्ट फोनों में भी आ रहा है। एमबीआर और जीपीटी में से फर्क कितना होता है कि एमबीआर आपका ओल्ड बायोस को भी सपोर्ट करता था। जैसे अगर मैं जो बायोस जिसे कहते हैं, जो आपका एमएमसी या हो या कोई भी सीपीयू है, अगर लैपटॉप के उसमें हम जाएं तो बायोस आपको उसमें समझ में आएगा, मोबाइल में तो हम उसे नहीं बोलते बायोस। उसका जो
ओल्ड बायोस था वहां पे एमडीआर सपोर्ट करता था, और लेटेस्ट में जो है वो जीपीटी सपोर्ट करता है। जीपीटी और एमडीआर में फर्क इतना है कि जीपीटी के अंदर आप कितने भी पार्टीशन टेबल बना सकते हो, मतलब आप लगभग 100 के ऊपर के पार्टीशन टेबल जीपीटी में बना सकते हो। एमडीआर में जो पार्टीशन टेबल होते हैं वो एक सीमित होते हैं, उसमें आप ज्यादा पार्टीशन नहीं बना सकते। ठीक है, अब आता है कि जैसे हमने आपको ये पार्टीशन टेबल बताया, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे हम क्या करते हैं, कई बार एमएमसी को जब बॉक्स के अंदर लगाते हैं तो हमारा पार्टीशन टेबल डिलीट हो जाता है। ठीक है, पार्टीशन टेबल डिलीट हो जाता है। जैसे अनलॉक के लिए हमने कभी अनलॉक भी करते हैं ना, तो उसमें आपका अनलॉक में कई बार फोन डेड हो जाता है, अनलॉक करते समय फोन डेड हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका जीपीटी पार्टीशन होता है वो डैमेज हो जाता है। मतलब आपके जो अलमारियां हैं उसमें कोई भी खाना टूट गया, कोई भी अलमारी टूट गई, या सिक्योरिटी पार्टीशन मान के चलिए कि जैसे कि मैंने बोला दूसरे नंबर के बॉक्स में आपके सिक्योरिटी का, या जो आपकी एफआरपी की फाइल है या आपका पैटर्न लॉक अनलॉक उधर लग रहा है, आपने उसको तोड़ा, तो कई बार क्या करता है यूएमटी या अनलॉक टूल, वो इस फाइल को डिलीट करने के साथ साथ इस पार्टीशन को भी डिलीट मार देता है। डिलीट मारने का मतलब कि पहले वो क्या करता है, पहले उस पार्टीशन टेबल का बैकअप लेता है और उसके बाद उसको डिलीट मारता है और फिर उसमें राइट करता है, मतलब उसी फाइल को। तो जो ओरिजिनल पार्टीशन होता है वो रह जाता है, और उसके अंदर जो आपने बाहर से कुछ इंस्टॉल किया होता है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि उसने डिलीट तो कर दिया, लेकिन जो उसने या तो प्रॉपर उसका बैकअप रीड नहीं कर पाया, या उसको वो राइट नहीं कर पाया जो उसका पुराना बैकअप था पार्टीशन का, पार्टीशन डैमेज, आपका फोन डेड हो जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में अगर आप उसमें जीपीटी की जो फाइलें होती है ना वो भी राइट कर दो, उसके पार्टीशन स्ट्रक्चर को दोबारा बना दो, तो भी आपका फोन ऑन हो जाता है। ठीक है, दूसरा कि जब हम यूएफआई बॉक्स में इस एमएमसी को कनेक्ट करते हैं, तो कई बार जब हम यूजर पार्ट में जाके स्कैन करते हैं तो वहां पे हमको कोई भी पार्टीशन टेबल शो नहीं करता। ठीक है, कहीं वहां पे कोई भी पार्टीशन टेबल हमें शो नहीं करता। जैसे मैं भी वो यूएफआई को लगाता हूँ और इसको दिखाता भी हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है, सबको सुनाई दे रहा है? और हाँ एक सर, मैंने एमएमसी लगा दी और इसको मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये आइडेंटिफाई आई, अब यूजर पार्ट में जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर कोई भी पार्टीशन टेबल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये दिखा रहा है पार्टीशन, यहाँ पे कोई भी पार्टीशन टेबल नहीं है। अब पार्टीशन टेबल का महत्व तो क्या होता है, मैं वो चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि भी आगे उसकी जरूरत पड़ेगी। देखते हैं कि इसमें हमारी कोई फाइल है क्या पड़ी।
किसी का माइक खुला हुआ है, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। नहीं, यहाँ पर कॉलकॉम का तो कोई फाइल नहीं है, मीडियाटेक का एक पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो मैं मीडियाटेक की ही यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे फैक्ट्री इमेज में गया। अगर हमको किसी चीज़ को एमएमसी को या आईएसपी करके फ्लैश करना है तो हम यहाँ पर जाएंगे किसमें, फैक्ट्री इमेज में, और कौन से सीपीयू की फाइल है, मीडियाटेक की है, तो यहाँ पे स्केडर हमको सिलेक्ट करना है। देखिए, अब यहाँ पर ये जो पार्टीशन बने सारे, ये क्या है, ये इसकी फ्लैश फाइल के कुछ पार्टीशन है। ठीक है, ये सारे पार्टीशन है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि प्री लोडर चलता है। मीडियाटेक में अधिकतर एमबीआर पार्टीशन होते हैं, तो यहाँ पे आपको जीपीटी की फाइलें नहीं दिखेंगी, जैसे मेन जीपीटी और बैकअप जीपीटी अभी किसी ने बोला था, वो आपको कॉलकॉम में मिलेगी। यहाँ पर आपको मेन जीपीटी और बैकअप जीपीटी की फाइल नहीं मिलती। ठीक है, तो अब आपको फर्क क्या समझना है, यहाँ पर प्री लोडर होता है, मतलब अगर आप इसके अंदर पार्टीशन बना देते हो तो प्री लोडर से उसके अंदर फाइलें लोड हो जाएंगी और वो वर्किंग हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा कोलकॉम का चिपसेट का फोन है तो उसमें आपको जीपीटी पार्टीशन मिलते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आपके पास अगर जीपीटी नहीं तो यहाँ फ्लैश फाइल के अंदर ही जीपीटी फाइलें आती है। देखा होगा सब लोगों ने, तो कॉलकॉम फोन में हमें जीपीटी फाइल फ्लैश फाइल के साथ ही मिल जाती है, जबकि मीडियाटेक में हमको पार्टीशन की फाइलें नहीं मिलती। तो ये जो पार्टीशन है, अब इसमें जैसे सिक्योरिटी के पार्टीशन भी हुए, तो फ्लैश फाइल के अंदर सिक्योरिटी पार्टीशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पार्टीशन नहीं है। सिक्योरिटी पार्टीशन किस में होंगे, जो आपका मेन आईएमई वगैरह होता है वो अलग से बनता है, वो आपका जो जीपीटी पार्टीशन की फाइल है वो उस पार्टीशन को बना देगी, या फिर आपको उसके लिए डंप की जरूरत पड़ेगी। किसकी डंप की जरूरत पड़ेगी, अगर आप उसमें डंप डाल देते हो तो आपका वो पार्टीशन टेबल बन जाएगा। इसीलिए जब हम किसी भी एमएमसी को प्रोग्राम करते हैं तो हमको सबसे पहले क्या प्रोसेस करना है, तो ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई कि आपको डंप की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, अब जैसे हम किसी भी एमएमसी को प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, मैं फिर से इधर आया, हमें किसी भी एमएमसी को प्रोग्राम करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे डालता हूँ, अगर हम एमएमसी प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि हमको उसका बैकअप लेना है। क्या बैकअप को रीड करना है, ठीक है, बैकअप को रीड करना है। अब बैकअप में हमें कौन कौन सी फाइलें उठानी है, सबसे पहले डंप फाइल, क्या डंप फाइल रीड करना है। तो डंप फाइल का काम क्या है, ठीक है, डंप फाइल का काम ये होता है, आप लोगों को पता है डंप फाइल का काम क्या है, इतने लोगों, कोई भी सिक्योरिटी बताइए बैकअप क्या, करना, सिक्योरिटी तो हम अलग से भी सिक्योरिटी रीड कर बैकअप सकते हैं। होता है हाँ नहीं, सिक्योरिटी का बैकअप तो हम अलग से भी रीड कर सकते हैं। हाँ बोलिए बोलिए योगी जी। सर, क्या था, किस तरह का। पार्टीशन क्रिएट करने के लिए, हाँ, जो अभी मैं ये बता रहा था कि डंप की जरूरत हमको होती है उसके पार्टीशन को क्रिएट करने के लिए। योगी जी, आप क्या बोल रहे थे? हाँ वो तो क्वेश्चन का ही पता नहीं था, वो क्या ना थोड़ा शोर हो रहा था।
हाँ, मैं डंप क्यों रीड करते हैं, सिर्फ ये पूछ रहा था। ठीक है, डंप फाइल हमको रीड करनी होती है। अब डंप फाइल के अंदर क्या क्या रीड करना होता है? ठीक है, डंप फाइल में हमें क्या क्या रीड करना होता है? सबसे पहले यूजर एरिया का कुछ भाग, यूजर एरिया का एक छोटा सा पार्ट हमको यहाँ पे रीड करना है। ठीक है, दूसरा बूट वन, तीसरा बूट टू, चौथा ई एक्स डी सी एक्स डी। ये चार फाइलें हमको रीड करनी होती है टोटल, ये चार फाइलें हमको रीड करनी होती हैं डंप फाइल में। ठीक है, तो यूजर एरिया के अंदर ही आपका वो फाइल आता है जो आपका, देखिए हम छोटा भी पार्ट डंप रीड कर सकते हैं, बड़ा भी रीड कर सकते हैं। जितना बड़ा रीड करेंगे उतने ज़्यादा उसके पार्टीशन के साथ साथ कुछ उसकी फाइलें भी आ जाएंगी। अगर मान के चलिए हम 100 MB, 200 MB, 300 MB का पार्टीशन रीड कर रहे हैं, डंप री यूजर एरिया रीड कर रहे हैं, तो हमारे GPT पार्टीशन क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बाकी का कोई फाइल उसके साथ उठ के नहीं आएगा। मान के चलिए अगर हमने 500 MB का, 512 MB का यहाँ पे रीड किया, तो ठीक है क्या होगा कि GPT पार्टीशन क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन अगर MediaTek का फोन है, जैसे कि अभी के ओप्पो और रियलमी वगैरह के फोन है, ठीक है, उनमें क्या होगा कि अगर आप 512 की भी रीड करते हो ना, तो कई बार उसकी सिक्योरिटी फाइलें भी उसमें आ जाती हैं। ठीक है, क्या होता है सिक्योरिटी मतलब आपका IMEI का एनवी डाटा, एनवी रैम की पार्टीशन के साथ साथ वो फाइल भी आ जाएंगी। ठीक है, तो उसमें आपको सिक्योरिटी अगर अलग से नहीं भी आपको रीड हो पाती, तो आप जब उसको डंप को डालोगे तो उसमें आपका IMEI और वो सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। मतलब जितना बड़ा पार्टीशन, सिक्योरिटी पार्टीशन, सॉरी यूजर एरिया आप रीड करोगे, उतना उसके अंदर ज़्यादा फाइलें आ जाती हैं। तो हमें यूजर एरिया, अब बूट वन बूट टू ये क्या होते हैं, ये आपके MMC के पार्टीशन होते हैं, मतलब ये सॉरी MMC के अंदर ही पार्टीशन टेबल होते हैं, लेकिन GPT के अंदर आपका बूट वन बूट टू ये सिर्फ 4 MB का ही होता है, छोटी छोटी फाइलें हैं। तो इनमें हमको कोई भी साइज को कम ज्यादा नहीं करना है, जितना भी है इसको हम उठा लेते हैं, 4 MB का है उठा लो। ठीक है, एक जैसे एक अपना KB में होता है, एक फाइल है, इसका काम होता है ये आपके पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन को बनाता है, exe आपके MMC के पार्टीशन के कॉन्फ़िगरेशन को बनाता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि जैसे वो आपका MediaTek की MMC है, या कॉलकॉम की MMC है, या SPD की MMC है, जो भी MMC है, उस जिस मॉडल के लिए वो मॉडिफाई मतलब प्रोग्राम हुई है, उसके हिसाब से उसके स्ट्रक्चर वो अंदर बना देगी। जैसे आपका exe जब हम राइट करते हैं, तो अगर आपका MediaTek का exe है, मतलब आपका फ़ोन MediaTek में MMC लगी हुई है, तो उसका जो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको 0x48 बन जाएगा, शायद आपको दिख रहा हो। अगर वो आपका कॉलकॉम का है, 0x38 हो जाएगा। अदर है कोई SPD वगैरह है, तो उसमें आपको 0x08 उसका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है, ये exe फाइल से बन जाता है। अगर ये फाइल नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर आपको दिया हुआ होता है UEFI में ऑप्शन कि आप उसको बना सकते हो, मतलब रिपेयर कर सकते हो। उसमें फ़र्क सिर्फ क्या है वो मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, तो ये फाइल भी नहीं होगी तो भी आपका काम हो जाएगा। अब आता है कि हमें बैकअप में ये चीजें पहले लेनी है। देखिए MMC को हमें फॉर्मेट मारना है या कुछ भी करना है, उससे पहले हमको ये चीजें चाहिए। लेकिन ये आपको अगर कॉलकॉम चिपसेट फोन में नहीं मिलती, क्या है ये चीज, अगर आपको कॉलकॉम का जो फोन होगा उसमें ना मिले, तो आपको सिर्फ 10% ही जरूरत पड़ती है कुछ एक मॉडलों में, बाकी आपको 95% अगर आपको डंप ना मिले तो आपका काम हो जाता है। क्योंकि
जीपीटी आपकी फ्लैश फाइल ही बना देगी, उसके अंदर जीपीटी के फाइलें होती हैं, ठीक है। मेन जीपीटी, बैकअप जीपीटी वहां पे होता है, लेकिन मीडिया टेक का फोन है या कोई भी थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का फोन है, वहां पे आपको डंप की जरूरत पड़ेगी, इस फाइल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको चाहे मीडिया टेक हो, एमटी हो, सैमसंग का फोन हो, ठीक है, और जो फोन ऑन स्क्रीन फ्लैश होते हैं, ये आप ध्यान रखो, जो जो फोन ऑन स्क्रीन फ्लैश होते हैं, वो चाहे कॉलकॉम सीपीयू हो या कोई भी सीपीयू हो, वहां पे मैटर नहीं करता। जैसे सैमसंग है, सैमसंग में कॉलकॉम भी आता है, मीडियाटेक भी आता है, आपका एक्सिनोस भी आता है, तो वहां पे सीपीयू मैटर नहीं करता, लेकिन सैमसंग का फोन हमेशा फ्लैश ऑन स्क्रीन होता है, मतलब डाउनलोड मोड में वो फ्लैश होगा। आपका आसूस वगैरह के फोन है, होनर वगैरह के फोन है, वो सब ऑन स्क्रीन फ्लैश होते हैं। तो जो जो फोन आपका ऑन स्क्रीन फ्लैश होता है, उसमें आपको डंप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसमें डंप जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसमें आपको डंप फाइल रीड करनी है। कॉलकॉम में अगर आपको नहीं भी मिलता है तो चल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। जी क्लियर है सर। विकास जी, हो गए सो गए? हाँ जी सर जितने यूएफआई वाले हैं, जिनको यूएफआई बोलते हैं, रख रख रखा है खरीद के, पैसा नहीं वसूल हो रहा, वो लोग जाग रहे हो या सो रहे हो? जागे सर, जागा हूँ सर। समझ में तो आ रहा है ना? हाँ ठीक है, तो अब कौन कौन से फॉर्म में डंप की जरूरत पड़ेगी, विकास जी बताओ, जी सर, कौन से फोन में डंप की जरूरत पड़ेगी? मीडियाटेक जिसको में पूछ रहा हूँ, जिसको पूछ रहा हूँ वही बताएगा। विकास जी आप बताओ ना, किस में जरूरत पड़ेगी डंप की? ये इसको नहीं सुन पाया थोड़ा सर, ध्यान से थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा सर। अब दोबारा मेरे को मत बोलना सर, बॉक्स ले रखा है, समझ में नहीं आ रहा, और जो है फिर से क्लास दे दो। सर इस रिकॉर्डिंग इसीलिए मांगे थे कि दोबारा। तो ये लाइव क्लास में तो ध्यान नहीं दे रहे हो, रिकॉर्डिंग में बहुत मेहनत करने वाले हो। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो इसमें अब जरूरत ये हो पड़ती गया, है सर, ये हो गया हमारा डंप फाइल, ठीक है। डंप फाइल हमको क्यों रीड करनी पड़ती है और किस फोन में हमको ज्यादा जरूरी है, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। पहला बैकअप आपका ये हो गया, मतलब आप जब बॉक्स को एमएमसी में, एमएमसी को बॉक्स में कनेक्ट करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो सबसे पहले आपको उसका हेल्थ रिपोर्ट वगैरह जब ले लेते हैं, आपको प्रॉब्लम का पता लग जाता है, तो वो कैसे आपको चेक करना है वो मैंने कल की क्लास में बता दिया था। जब प्रॉब्लम पता लग जाता है तो उसका सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन करने के लिए आपको जो स्टार्टिंग मेथड है कि आपको उसका एक बैकअप बनाना है। बैकअप में क्या आता है, एक डंप फाइल आपको डंप रीड करना है और दूसरा उसका सिक्योरिटी उठाना है। तो सिक्योरिटी पार्टीशन आपको उठा लेना है, सेकंड में है क्या आपको सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को रीड करना है, सिक्योरिटी आप रीड करोगे कैसे, वो आपको यूजर पार्ट में जाना है। यूजर पार्ट में जाके यूएफआई में जितनी भी आपको कुछ नहीं, उसमें यूजर पार्ट के अंदर जाओगे, जब आपका पार्टीशन टेबल शो करेगा तो जो सिक्योरिटी के पार्टीशन होंगे वो सब पिंक कलर में होंगे। क्या पिंक कलर? पिंक कलर के जितनी भी फाइलें दिखती हैं उनको आप रीड कर लो, सारी फाइलों को आप रीड कर लो, आपका सिक्योरिटी पार्टीशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये दो चीजें क्लियर हो गई, पहला आपको
डंप रीड करना है, दूसरा उसकी सिक्योरिटी रीड करना है। अगर आप बड़ा डंप रीड कर लेते हो विदाउट एरर, जैसे 2 GB का, 3 GB का, 4 GB का, तो आपके पास अगर सिक्योरिटी नहीं भी उठाते हो तो उसके अंदर सिक्योरिटी राइट हो जाएगी, ठीक है। छोटा डंप रीड कर रहे हो 100 MB, 200 MB, 300 MB, तो आपको सिक्योरिटी पार्टीशन को रीड कर लेना है, ठीक है। तो ये दो चीजें तो हो गई आपको सिक्योरिटी का। आवाज कम आ रही है। IMI नंबर, हाँ, सिक्योरिटी पार्टीशन के, सिक्योरिटी पार्टीशन के अंदर जब आप सारी सिक्योरिटी फाइलें उठाओगे तो उसमें आपका IMEI बेसबैंड सारी फाइलें आ जाएगी। मैंने बोला कि उसमें आपको यूजर पार्ट के अंदर जो यहाँ पर UEFI में मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर तो MNC के अंदर कोई पार्टीशन टेबल है नहीं। जब आप कोई सही MNC लगाओगे इसमें तो यहाँ पर उसके पार्टीशन टेबल शो करेंगे, और जितनी भी पिंक कलर के पार्टीशन टेबल होंगे, सॉरी, जितने भी पिंक कलर का यहाँ पे फाइलें दिखेगा, जो पार्टीशन दिखेगा वो आपका सिक्योरिटी पार्टीशन होता है, आप उसको वहाँ पे रीड कर लो, ठीक है। देखता हूँ मैं कोई दूसरी MNC जो कि RCMB क्लीन ना हो या प्रोग्राम ना हो। मैं मिनिमम कितने एमबी का फाइल रीड करना जरूरी है उसका सिक्योरिटी और सब कुछ? देखिए, मिनिमम आपको किसके लिए, मतलब डंप में पूछ रहे हो या फिर सिक्योरिटी का पूछ रहे हो? डंप में पूछ रहा हूँ कितना एमबी का उसका रीड करना। डंप में तो आप 100 MB का भी उठा लो तो भी चल जाता है, लेकिन जितना बड़ा हो सके, मतलब मिनिमम आप 512 MB का उठा लो। ये MNC तो गई है, और देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये पार्टीशन टेबल शो कर दिए, ये मैंने एक दूसरी MNC लगाई है, यहाँ पर ये सारे पार्टीशन के टेबल शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कोई जेटेक फोन की MNC है। यहाँ पर देखोगे आपको ये सारे पिंक कलर में दिख रहे होंगे, दिख रहा है कलर चेंज हुआ? तो शायद वो स्टेटर फाइल की फाइल दिख रही है। जो स्टेटर आपने सिलेक्ट किया है शायद उसी की फाइल दिख रही है। अरे मैं कहाँ आ गया, हाँ इसमें तो नहीं है, ये इसमें भी पार्टिसिपेबल नहीं है, इसमें भी नहीं है। सब खत्म है।
पार्टीशन टेबल इसमें भी नहीं शो कर रहा, सारी डिलीट कर करके रखी है ना एमएमसी है ये, दिखाओ। हाँ ऐसे ऐसे ही क्लीन कर दो, रिबोल करिए ना, हाँ थिनर से क्लीन कर दो। सबको भर दो इसमें, देख रहे हो एमएमसी दे गया, सब खराब निकली है। दो ठीक है, ये मैंने रीड कर ली, तो ये दूसरी एमएमसी है, इसमें देखिए जितनी ये पिंक कलर की फाइलें दिख रही हैं, ठीक है, जितनी भी पिंक कलर की फाइलें दिख रही हैं इन सब को आप उठा सकते हो, ये सारी इसकी सिक्योरिटी के पार्टीशन की फाइलें हैं, ठीक है। तो आप इसको आराम से सारे पिंक कलर की फाइलों को सिर्फ सारी रीड कर लो, आपका पूरा सिक्योरिटी पार्टीशन रीड हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि हमको इसमें डंप कैसे रीड करना है। जैसे ये एमएमसी सही है तो पहले प्रोग्राम वाले में हम जाते हैं, प्रोग्राम वाले पेज पे यहाँ से, ठीक है। अब हमें डंप रीड करना है, यूएफआई यूजर जो भी है कुछ भी रीड राइट करना है, तो ये क्लॉक स्पीड को 24 कर दो, थोड़ा सा आपका काम फास्ट में हो जाएगा, ठीक है। डंप रीड करना है तो डंप में यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया, चार फाइलें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, चार फाइलों को आपको सिलेक्ट करना है। पहला यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, चारों फाइलें ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पे ठीक है, लेकिन जो ये यूजर एरिया है ये ऑटो पर है, ऑटो पर है मतलब आपको यहाँ से ऑटो पे जो क्लिक है इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। एक्सक्लूड यूजर डाटा आप उठाओगे तो आपको कंप्लीट उसके यूजर डाटा के साथ पूरी एमएमसी को रीड कर देगा, छोटा 1 GB करना है, 512 256 128 32 MB जितने का भी आपको रीड करना है आप इसको सेलेक्ट कर लो। जैसे मुझे इसमें मैं क्या करता हूँ इसको 256 MB का या 512 MB कुछ भी मैं इसमें रीड कर लेता हूँ, 256 MB का रीड कर लेता हूँ, तो इसको मैं 256 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। 256 सेलेक्ट करने के बाद आप इस पे रीड में चले जाओ, रीड पे क्लिक करो, ये सारी फाइलों को रीड करके आपका सी ड्राइव में ले जाके सेव कर देगा। डंप डाल सकते हैं ना सर? क्या जैसे सैमसंग J2 का डंप अगर हम उठाए हैं और कोई दूसरा फोन है उसमें बिना डंप उठाए ये डंप डाल सकते हैं ना उसमें? हाँ J2 में ही डाल सकते हो, दूसरे में नहीं, लेकिन ज्यादा बड़ा डंप होगा तो मत डालना, ठीक है। मतलब 512 MB का आपने डंप उठा रखा है या 100 MB 200 MB 300 MB तो आप उस डंप को किसी भी सेम मॉडल में डाल सकते हो, ठीक है जी सर। 512 MB वाला भी सर? हाँ 512 तक आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, इससे बड़ा अगर उठाते हैं सर तो इसका सिक्योरिटी भी आ जाता है? हाँ, उसमें जाने का रिस्क होगा। वैसे आप उसको छोड़ भी सकते हो, वो हो जाता है बाद में, आप उसको इरेज भी मार सकते हो, तो मतलब काम बढ़ जाता है पर हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, आप बड़ा डंप भी डाल सकते हो, छोटा भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित सर, ठीक है। हाँ बोले सर, जैसे कि यूजर पार्ट में कुछ भी शो नहीं कर रहा है सर, तो कैसे आएगा फिर?
यूजर पार्ट में, अगर यूजर पार्ट में कुछ भी शो नहीं कर रहा है तो अभी मैंने क्लास स्टार्टिंग में ही बताया है, या तो उस एमएमसी का जीपीटी डैमेज हो गया, ठीक है, हो सकता सर कोई इसको इरेज कर दिया तो, हाँ अभी इरेज कर दिया तो भी नहीं शो करेगा, लेकिन अगर किसी ने उसको इरेज नहीं किया है तो उसका जीपीटी डैमेज हो सकता है। उस कंडीशन में अगर आप उसको फ्लैश करते हो तो भी पार्टीशन टेबल शो कर जाएगा। क्वालकॉम चिपसेट फोन है तो उसमें आप उसका जीपीटी राइट कर दो, सिर्फ जीपीटी मेन, जीपीटी बैकअप, आप दो फाइलें ये सिर्फ उसमें राइट कर दोगे तो वो वहां पे पार्टीशन टेबल शो कर जाएगा। अब अगर वो एमएमसी ही खराब है तो फिर तो बात ही खत्म है। मीडियाटेक में सर, हाँ वो CPU. कोई भी हो, हाँ तो उसको फ्लैश कर सकते हो, फ्लैश करने पे वो पार्टीशन टेबल शो कर जाने कर जाएगा। अगर फिर भी नहीं कर रहा है मतलब वो एमएमसी उसको सर इरेज कर दिया, सर इरेज कर दिया है, इरेज कर दिया है तो आप उसमें डंप डालो। मैंने अभी यही पहले क्लास में बोला, अगर इरेज को डंप डाल दिया सर तो उसको सिग्नेटरी बैकअप आ जाएगा ना। सेम फोन का डंप है? नहीं, नेट से डाउनलोड करके डाले। हाँ तो नेट से डाउनलोड करके डंप डाले हो तो अब आप उसको फ्लैश मारो, ठीक है। अच्छा पहले देखिए, मीडियाटेक में आपने डंप डाला, आपको नहीं पता कि आपने का कौन सा प्रीलोडर वर्जन वहां पे राइट हुआ, ठीक है, पता नहीं किस वर्जन का डंप वो रीड हुआ था। तो ये ध्यान रखना कि आप जब मीडियाटेक के फोन में डंप डालते हो तो जब उसको यूएसबी से या वैसे भी फ्लैश करो तो उसमें प्रीलोडर फाइल को फ्लैश मत करना, तो प्रीलोडर पुराना ही रहेगा और नए बाकी सारे सिस्टम उसमें नया वाला हो जाएगा और उससे वो फोन ऑन हो जाएगा। कई बार ऐसा प्रॉब्लम भी होता है कि आपका डंप में दूसरा प्रीलोडर है और आपकी फ्लैश फाइल में दूसरा प्रीलोडर राइट होता है तो फोन चालू नहीं होता, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि आपका जो डंप में डाला वो लेटेस्ट वर्जन का प्रीलोडर है और आपकी जो फ्लैश फाइल है वो ओल्ड वर्जन है तो भी आपका फोन ऑन नहीं होता। इसलिए आप जब डंप डालते हो तो जब उसे डंप डाल के बाहर निकाल लो, बोर्ड में लगा दो एमएमसी को, और फिर उसको यूएसबी से फ्लैश मारो, बॉक्स में फ्लैश मत मारो। और यूएसबी से जब फ्लैश मारो अनलॉक टूल यूएमटी कुछ भी यूज करके, तब आप उसमें प्रीलोडर को राइट मत करो, ठीक है, आपका फोन वो ऑन हो जाएगा, बाद में उसका सिक्योरिटी रिपेयर कर सकते हो। सर डंप डालने के बाद सर उसको जो पिंक कलर का को अगर उसको रीड करे तो सिक्योरिटी काम नहीं करेगा? अरे मेरे काका, जब उसमें है ही नहीं तो फिर तुम्हारे रीड करने से क्या मतलब है, वो तो पार्टीशन टेबल बनाएगा। टेबल रीड करोगे तो क्या, देखो एक कमरा है और एक कमरे के अंदर कुछ रखा हुआ है, ठीक है, अब आप अगर उसके अंदर कुछ है ही नहीं तो आप उसके से पार्टीशन हुआ को रीड कर लोगे तो भी तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना जी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डंप रीड करने का तरीका, तो डंप को आप इस तरह से रीड कर लोगे। उसके बाद यूजर पार्ट में जाओ और जितनी भी पिंक कलर की फाइलें हैं इनको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आप आराम से इनको सिलेक्ट करके इसे भी आप रीड कर दो। ये एसपीडी सीपीयू की एमएमसी है इसलिए इसमें थोड़ी सी फाइलें अलग साइड टाइप आपको दिख रही होंगी, और यहाँ से रीड पे क्लिक कर दो। एक बार नीचे चले जाओ, देखो कोई और फाइल तो नहीं है पिंक कलर की, नहीं है, इसको रीड कर लो। इरेज कर दिए तो खत्म हो जाएगा सारा पार्टीशन, डिलीट हो जाएगा। अब ऐसे क्लिक करोगे तो ये जाके रीड भी हो जाएगा, सिक्योरिटी और वो दोनों। कितने लोग हो? 26। हकीम जी आवाज आ रही है मेरी आपको?